श्रद्धा अर्पण करनी चाहिए, हम भी उसी लिए आए। जो लाइव देख रहे हैं, कथा का कोई क्रम नहीं है, कल तक हम हैं, फिर हमें कल भी जाना, और किसी ने न्यूज डाल दी कि बाबा तो पर्ची कटवाने वाले को मिलेगा, हमें बहुत बुरा लगा न्यूज पढ़कर। इसलिए बुरा लगा कि ऐसा कोई हमारा भाव नहीं है, और फिर मिलेंगे तो पर्ची में क्या मिलेंगे, सोना चांदी में मिलेंगे? अगर हम बिकेंगे ही तो उसने होता तो थोड़ा हम सोचते। भाई तुम 56,000 में बिकवाने की बात कर, वो भी 2 मिनट्स, उन्होंने लिखा 2 मिनट चाहिए तो 56,000 अटली के बारे, तुमने इतने सस्ते समझ लिए हमारे 2 मिनट, तुम्हें शर्म ना आई? कम से कम 2-4 0 बढ़ा के लिखते तो पढ़ने वाले भी समझते कि यार साधारण आदमी की पहुंच नहीं हो सकती। ये बिना तर्क का जिन्होंने धाम पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया कि हमको बागेश्वर धाम के ब्राह्मणों के साथ में गया जी जाना, तो उनकी रुकने की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, इनके यहाँ रुके वो तिवारी जी भी एक पर्ची काटेंगे, होटल की पर्ची वो लंबी जाएगी, तो उनकी व्यवस्था, उनकी व्यवस्था, ये गलत अफवाहों से आप सब बचें। बिहार में हम गया जी में जल पर बिना पितृपक्ष के मेला के सुनाएंगे कि प्रशासन को कोई सुविधा ना हो। क्या कहें, सुनाने को कुछ बचे ही नहीं, सब सुना सुनाया है, पर आप सब विराजमान हैं, एक दो चर्चा हम सब करनी चाहिए। भगवान श्राद्ध पक्ष वर्तमान में है, ये श्रद्धा से उत्पन्न हुआ एक शब्द, और जिसके पास श्रद्धा नहीं उसका श्राद्ध व्यर्थ है, आपका श्राद्ध व्यर्थ है। दूसरी बात, श्राद्ध पक्ष में आप यहां